उत्तर प्रदेश के उन्नाव में प्रशासन को कब्जा कर चुनौती देता गंगा घाट का भूमाफिया। एसपी दीक्षित गंगा घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत पोनी गांव के बगल में सूर्य टाउन नामक जमीन करीब 16 बीघा सरकारी भूमि पर कुख्यात भूमाफिया एसपी दीक्षित ने अवैध प्लाटिंग कर डाली। प्रशासन द्वारा जांच में राजस्व एवं सर्वे विभाग की टीम ने अवैध कब्जा प्रमाणित होने की रिपोर्ट शासन को दी। गंगा घाट के मजरा पीपर खेड़ा अहमद माली भूमाफिया एसपी दीक्षित की मनमानी तथा सरकार जांच आदेशों का कब होगा अनुपालन, क्या नहीं होगी इस भूमाफिया के ऊपर कोई कार्यवाही, इसी तरह सरकारी जमीनों पर करता रहेगा कब्जा। वहीं भूमाफिया अपने आप को भवंत नगर विधायक आशुतोष शुक्ला का करीबी बताकर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार मिश्रा। क्या प्रॉब्लम है आपके फ्लैट की, क्या समस्या है? फ्लैट की हमारा जो है 1992 में मैंने खरीदा आर्यानंदन सिंह से। आर्यानंदन सिंह से खरीदा मैंने, उसका जो है दाखिल खारिज जो है 1992 में ही कराया। फिर बाउंड्री मैंने करा लिया। बाउंड्री कराने के बाद में 2015 में जो है दीक्षित जी ने जो है कबीर जेडी को कब्जा दिला दिया। कौन दीक्षित जी, इनका क्या नाम है, क्या काम करते हैं? इसमें दीक्षित प्लाटिंग के काम वो करते हैं, प्लाटिंग डीलर है वो। आर्यानंदन सिंह से मैंने लिया था, वो जो है नापा इन्होंने ही है, एसपी दीक्षित जी ने ही। इसके लिए कहाँ जांच करने गए, किस अधिकारी को दिया है, क्या? मैंने जो है डीएम को भी दिया है, डीएम ने रुकवा दिया था, बाउंड्री गिर गए थे, उन्होंने अपने बाउंड्री खड़ी किया, वैसे रुका पड़ा हुआ है। दीक्षित जी ने आज बोले थे कि हम आपको प्लाट देंगे, 150 गज है हम देंगे, अभी तक मेरे को नहीं मिला हुआ है। मैं हर जगह गए, कोई जो है सुनवाई नहीं हुई है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।